तो गाइस फाइनली क्या मैच था देखने के बाद तो मजा आ गया, और क्या सरप्राइजेस रिटर्न भी देखने को मिले इस मैच में। और यहाँ पर एक एक नहीं बल्कि दो दो रिटर्न्स देखने को मिले, जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्शन लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो शो की शुरुआत होती है सबसे पहले यहाँ पर सोरो सिकोवा और जैकब फातू का एंट्रेंस होता है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड का एंट्रेंस देखने को मिलता है, जो इस बार कुछ अलग ही एंट्रेंस था इनका। फिर सबके यहाँ पर रिंग में एंट्रेंस होने के बाद फाइनल लास्ट में यहाँ पर रोमेज का एंट्रेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोनों टीम यहाँ पर आमने सामने हो जाती है, जहाँ पर कोडी रोड यहाँ पर रोमेज से पूछते हैं क्या तुम फाइट करोगे। पहली बार यहाँ पर कोडी रोड और जैकब फातू फाइट करने जा रहे होते, तभी यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से आवाज आती है रोमेज और यहाँ पर सोलो सिकोवा के बीच। उसके बाद यहाँ पर सामने से सोलो सिकोवा आ जाते हैं, और तभी यहाँ पर टैग करते हैं कोडी रोड रोमेज को फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमेज और सोलो सिकोवा के बीच यहाँ पर थोड़ा बहुत फाइट होता है, तभी यहाँ पर टैग करते हैं जैकब फातू को। जैकब फातू यहाँ पर आने के बाद रोमेज से बोलते हैं कि असली जो यहाँ पर ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोवा है। उसके बाद गाइस इन सबके बीच काफी फाइट चलता है। फिर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ कोडी रोड रिंग के ऊपर से स्ट्रेस लगा देते हैं जैकब फातू के ऊपर। उसके बाद गाइस कोडी रोड और यहाँ पर जैकब फातू दोनों रिंग के बाहर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी यहाँ पर रिंग में बसते हैं सोलो सिकोवा और रोमेज, यहाँ पर सोलो सिकोवा काफी पीटते हैं। उसके बाद रोमेज जब यहाँ पर बीट कर रहे होते, तभी यहाँ पर पीछे से ब्लड लाइन की टीम आकर यहाँ पर अटैक कर देती है। और तभी गाइस यहाँ पर शानदार रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर जिमी उसो का। जिमी उसो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर देते हैं और रोमेज को सेव करते हैं इनसे। उसके बाद गाइस यहाँ पर रोमेज इनको गले लगा लेते हैं। उसके बाद फाइनल लास्ट में इस मैच के यहाँ पर विनर बन जाते हैं कोडी रोड और रोमेज। और गाइस अभी यहाँ पर ट्विस्ट समाप्त नहीं होता, जैसे ही यहाँ पर दोनों बैक स्टेज जा रहे होते हैं जिमी उसो और रोमेज, तभी पीछे से यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम यहाँ पर अटैक कर देते हैं यहाँ पर कोडी रोड के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर रोमेज और यहाँ पर जिमी उसो जाकर उनको सेव करते हैं कोडी रोड को। तभी रोमेज यहाँ पर चैंपियनशिप बेल्ट को हाथ में उठाते हैं, उसको कुछ समय देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं कोडी रोड को। उसके बाद फिर यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलता है दिरोंग का। वैसे गाइस यहाँ पर दिरोंग रिंग में नहीं आते, वहीं से यहाँ पर बैक स्टेज सीधा वापस चले जाते हैं अंगुली दिखाकर।